आज कुछ फ्रेंड आने दो फ्रेंड आने वाले हैं अनिर्वाण का हमारे घर पे शाम को, और आज कार भी सर्विस सेंटर देना है एक्सीडेंट के लिए जो डेंट हुआ है। और मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में कर्ड पोहा। इसमें कर्ड और पोहा, जैसे हम लोग पोहा खाते हैं ना, पोहा को भिगो के कार्ड में रखती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ इसमें अंदर, कैरेट, क्यूकम्बर, हरी मिर्च और कैप्सिकम डालती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक दो ड्रॉप होगा ऑयल में राई, करी पत्ता, बादाम और ये जो फुटनालू है ये डाल के तड़का बना के इसके ऊपर डाल देती हूँ, पोहा का नमकीन वाला वर्शन, क्योंकि मम्मी और अनिर्माण तो खाते हैं मीठा पोहा। इसमें पानी, गुड़, चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट, ऐसा रहता है। लाइट ब्रेकफास्ट खाना है तो हम इस तरह से खाते हैं। लॉकू का खाना पीना ब्रेकफास्ट डन। अभी मुझे सुला दो दीदून, तू गुड मॉर्निंग बोले दो। ओ बाबा छाड़बे ना मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करो बाबा। गुड मॉर्निंग, स्माइल 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 है ना, चुम्मी है ना, घूम ही पड़ो चुम्मी खेते खेते। मुझे सुबह उठ के ना मीठी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं इसी तरीके से पोहा बना के खाती हूँ। चलो रेडी, चलो चलो जाओ, तुम्हें ओगुलो स्टॉलर ठलर गुलो आनते हो तो गाड़ी थे। मम्मी यहाँ पे हाँ चटनी होएगा से बनाना। ओ मम्मी ने यहाँ पे चटनी बनाया है, टमाटर, इसके अंदर डेट्स है, काजू है, किशमिश है, माछे तेलेर बड़ा और राइस बनाएंगी मम्मी, और दाल और फिश कली बना के रखा था, और मैं बनाऊंगी चिकन फ्राइड राइस ये सब, पर वो रात के लिए बनाऊंगी। चिकन नहीं निकाला, बोलते बोलते याद आया, सो गई। सो निकल रहे हैं। ये जब भी देखती हूँ ना मैं तो मुझे मेरी डिलीवरी ब्लॉग याद आता है। एक्चुअली आज मतलब अभी हमें कार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही था। मुझे ना एकदम अच्छा नहीं लगता है बेलू को सर्विसिंग में देना, मतलब एक दिन के लिए भी बेलू जाता है ना, ऐसा नहीं कि एवरीडे हम लोग निकलते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बेलू सर्विस सेंटर पर रहे। बेलू ना कार से भी ज़्यादा एक इमोशन है हमारे लिए। सबके आई थिंक ऐसा होता है, जो फर्स्ट कार जो होता है ना, वो जैसे भी हो, सेकेंड हैंड हो, फर्स्ट हैंड हो, हमारा फर्स्ट हैंड है, इसलिए मतलब बहुत इमोशन जैसा होता है कि ये इसी के लिए मेनली। और डेंट सो फाइनली हम लोग बेलू को उसका हॉस्पिटल में दे दिया है। दिस इज द हॉस्पिटल नेक्सा सर्विस सेंटर, पर बोल रहे हैं कि 4 to 5 days में दे देंगे, तो हमने बोला 4 days में प्लीज कोशिश कीजिए, मतलब हमें तो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। एक दिन में देगा तो और अच्छा है। एक्चुअली गाड़ी के ऊपर ना काफी डिपेंडेंसी आ गया है गाइस, इस जगह को देखो एक बार, पूरा मतलब येलो में एकदम छा गया है फ्लावर से। पैदल चलने का ना यही एक फायदा होता है। वॉकिंग के लिए हम लोग एक्चुअली अभी नाइट वॉक करते हैं। बस हो गया अन्ना बाबा, दो लेके तो हो गया है। ग्लॉकू का ना बर्थडे आ रहा है, और 3-4 महीने में हमारा फ्लैट भी हैंडओवर मिल जाएगा, इंटीरियर भी देखना है, अभी 2 weeks बाद है ना मामा, उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। इस टाइम पे गाड़ी जाना बहुत डिफिकल्ट था, इस हफ्ते में प्लान था कि हम लोग एटलीस्ट उसका जो होटल है वो फाइनलाइज कर देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा में उसके बाद जब घर जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, आते आते फिर 1 ही महीना बचेगा शायद बर्थडे का। क्या हुआ, तुम्हें हाय बोले? ओए बाबा ले, तू हाय बोली रहा हो तो इधर को अकेले, तू फ्रेंड फ्रेंड ब्लॉक ऑफ फ्रेंड, हाय फ्रेंड, हाय माय
किसी हवे ना कि किसी 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 हवे ना। अनिर्बान नहाने गया है अभी, लोको नहाएगी और मम्मी पकौड़ा बनाने की मतलब लिए सब इकट्ठा कर रही है। और अभी मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं लगूंगी काम पे क्योंकि मुझे कुकिंग करना है, रात को फ्रेंड्स आएंगे है ना। मामा बोलो तुम एक तो कथा बोलो, बोल बे ना। लहू जब मेरे गोदी में आती है ना तब कितना छोटी सी बच्ची लगती है और जब उसका मैं वीडियो लेती हूँ तब लगता कितना बड़ा है। तो वीडियो में ना, वीडियो और पिक्चर में बच्चा बहुत बड़ा दिखता है, ऐसा ओरिजिनल में नहीं होता है। ये देखो लकू रो रही है, लकू काद काद देख कैमन लगे तो के देखते केदे देखा लकू केदे देखा है। ये नया कढ़ाई जो मैंने लिया था ना, इससे मैं आज फर्स्ट टाइम कुछ बना रही हूँ। एकदम स्टेनलेस स्टील का है, बहुत दिनों से सोच रही थी कि अच्छा कुछ कढ़ाई वगैरह लूंगी तो फाइनली ले लिया। हैदराबादी चिकन बनाऊंगी रात को, उसके लिए बेरेस का चाहिए तो इसीलिए मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ फर्स्ट। अच्छा लग रहा है। ओके दीजी माँ, दीजी राख गो है ना मामा। ये सब लोगों ने ना बोला था कि मानुषिता ग्लोकू जब खाएगी ना उसका वीडियो मत उठाना क्योंकि ऐसा बोलते ना कि नज़र लग जाती है। तो मैंने अनिरन को बोला कि मत लेना, सब लोग मना कर रहे हैं। अनिरन बोल रहा है क्यों, सबको लाला जाता है उसका खाना देख के। अनिरन को कुछ भी बोलो ना, वो उसको तो ये पता नहीं रहता है, सब दुनियादारी की चीज़ें तो उसका वो अलग ही मतलब है। अनिर्बन मुझे बोलता है कि सबको ऐसा लगता है कि बीट गाजर पम्पकिन वाला राइस चाहिए, उसी लिए सब मना करते हैं। ग्लाकू का देखो, ग्लाकू का देखो, ए ग्लाका सिंह, ए सिंह जी, ओ दीची बाबू गरम मुखे छैका लागबे, गरम 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 खेते। मम्मी बना रही है फिश का पकौड़ा, सॉरी सॉरी फिश का ऑयल का पकौड़ा। हम क्या करते हैं गाइस, जैसे एक मम्मी ने दो दिनों के लिए फिश बनाया था तो स्टील के कटोरी में रखते हैं और राइस बनने के बाद ये कटोरी के पीछे की जो हिस्सा है थोड़ा सा पानी से फिर से उसको धो लेते हैं और उसको ऐसे गरम राइस में ढक्कन लगा के रखते हैं तो इससे ना फिश बहुत अच्छे से गरम हो जाता है। बासी खाना या फ्रिज का खाना इसीलिए मना करते हैं सब लोग खाने में क्योंकि अगर आप खाने को बार बार हीट करोगे ज़्यादा हीट पे उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खो जाता है और बासी खाना वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, वो ख़राब हो सकता है। तो अभी ग्लोकू है ना तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग फिश आज बना रहे हैं, आज भी खा रहे हैं, कल भी खा रहे हैं। जनरली हम बासी नहीं खाते हैं पर छोटे बच्चे के साथ आपको बहुत सारा ऐसी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और दाल भी है, पकौड़ा मम्मी तल रही है, फिश गर्म हो चुका है, थोड़ा सा सलाद बनाएंगी। फ्लावर को मैंने इस तरह से सजा दिया है। ओके सो फिर से चिकन में आते हैं, बेरेस्ता रेडी है और इधर पे मैंने दही लिया है हाफ कप, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ 15 पीसेस डाल रही हूँ आलमंड की और थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक। आप जिंजर गार्लिक और आलमंड को अलग अलग पीस के डालना, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है सो एक साथ ही मैं करके डाल दूँगी। थैंक्स टू मम्मी कि मुझे अभी पुदीना खरीदना नहीं पड़ता है, इतने सारे पुदीना मेरे बगीचे में होता है किचन गार्डन में तो मुझे इस रेसिपी में खूब सारा पुदीना चाहिए। सो इधर पे मैंने करीब 700-800 ग्राम चिकन लिया है तो ये पेस्ट जो मैंने अभी बनाया मिक्सी में, बादाम है, जिंजर गार्लिक है, दही है और इधर पे कुछ चंद मसाले लिए हैं, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। ये मतलब येलो येलो नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा ही, नहीं तो आप चाहे तो डाल सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया, जीरा, बिरयानी मसाला, कोरिएंडर और मिंट, ये जाएगा इसके अंदर। सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे। ये बेरेस्ता जो हमने फ्राई करके रखा था, वाह लुक एट दिस कलर, देख के लग नहीं रहा है कि ये कोई चाट बनाया है मैंने। सो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को अभी थोड़ा सा टाइम देंगे मैरिनेशन होने के लिए, 1-2 घंटा जितना आपके पास पॉसिबल है, मिनिमम 30 मिनट्स और इन बिटवीन मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ।
चिकन बनाते हैं, 2 चम्मच घी और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में पहले। आप चाहे तो पूरा घी में बनाओ और टेस्टी बनेगा। चिकन जो है मैरिनेटेड था वो डाल दूंगी। बस कुछ नहीं, इसको 15 से 20 मिनट आपको कुक करना है। चिकन के पीसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बड़ा पीसेस है तो आधा घंटा बस ढक के कुक करना है और एंड टाइम में नमक ऐड करना है और ऐसे ही कुक करते जाना है। 20 मिनट्स बाद आप देखोगे चिकन में से बहुत सारा पानी निकल रहा है, अगर चिकन फ्रेश है तो। इसमें आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और नमक डाला है, थोड़ा सा चॉप्ड हरी मिर्च डाला है। मैं इसको अभी बंद कर दूंगी, जब वो लोग आएंगे सर्व करने के पहले मैं 10 मिनट और कुक करूंगी। इससे गर्म भी रहेगा और प्रॉपरली कुक भी हो जाएगा। और ये जो आप ग्रेवी देख रहे हो ना, ये ग्रेवी भी सूख जाएगा क्योंकि दही है ना, तो ग्रेवी एकदम सूख जाता है। तो थोड़ा सा आप सेमी ग्रेवी में रखोगे तो जाके ग्रेवी एकदम सूखा सूखा बनेगा, और एकदम सूखा बनाओगे तो और सूखा बन जाएगा। फ्रेशन अप हो गई हो, कुकिंग डन। बनाया मैंने फ्राइड राइस और हैदराबादी चिकन। एक्चुअली एवरी टाइम आपने नोटिस किया होगा कि घर पे कोई आता है तो मैं बहुत सारे आइटम बनाती हूँ। अनिर्वन मुझे बहुत डांटता है कि क्यों बनाती हूँ। एक्चुअली कोई समझता नहीं कि मेरा, मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को, लोग जब सेटिस्फाई होकर खाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये हॉबी है। और इन दिनों क्या हो रहा था कि फ्रेंड्स के घर में जा रहे थे और फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे थे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ऐसे बोल रहे थे कि शायद उनको भी बुरा लगता होगा कि मैं इतना आइटम बना देती हूँ और शायद उनके पास उतना टाइम नहीं रहता होगा और वो उतना नहीं बना, फिर भी बहुत ही बनाते हैं। मतलब क्यों बोलते हैं पता नहीं, वो भी बहुत सारे ही बनाते हैं, फिर भी ऐसे बोलते कि नहीं नहीं इतना हम नहीं बनाते नहीं बनाते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम आइटम बनाना चाहिए ताकि सबको ऐसा गिल्ट फील ना हो कि हम भी क्यों नहीं बना पा रहे। अब समझ रहे हो ना, पर मुझे अच्छा लगता है, ये किसी को समझा नहीं सकता। मैं तो अचार भात भी खा सकती हूँ, अच्छा लगता है मुझे बनाना सबके लिए। तो ठीक है चलो, आज उसलिए मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। और सोच रहे कि वो लोग अभी 6 बज रहा है, वो लोग आए हुए तो उसको चाय और थोड़ा सा प्याजी फ्राई करके दूँगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मेरा हैबिट है बहुत कुछ बनाने का, फ्राइड राइस, चिकन, चटनी, आइसक्रीम है और चाय, बिस्किट, स्नैक्स, पकोड़ा, ये सब बनाएंगे। ठीक है, तो गोलू को चालू कर दिया है, घर को थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, वो लोग आने ही वाले हैं। लोग को कपड़े चेंज करा देती हूँ। सब लोग आ गए हैं तो मम्मी ने ये ऑसम सा प्याजी का पैकेट बनाया है, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। शायद मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आप लोग चाय देख रही हो। एक्चुअली मम्मी पीती है, हम तो नहीं पीते। वीडियो एडिट करते करते गाइज आज बहुत याद आ रहा था, जब लोग हम लोग फर्स्ट टाइम हैदराबाद आए थे। अब यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे हमारा उम्र बहुत कम था, अनिर्वाण को हाल ही में मतलब नौकरी लगा था, तो हमारे पास शायद एक बेड खरीदने के भी पैसे नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज देखो कितना कुछ है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। पर वो जो खुशी उस टाइम पे थी ना गाइस, वो शायद कभी ना होगी। मॉर्निंग वॉक करते थे हम, छोटे छोटे चीज़ों में खुश होते थे। अभी बहुत कुछ है फिर भी खुशी नहीं आती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उम्र के साथ साथ जो है ना गाइस, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है काम का, बच्चा हो जाता है तो क्वालिटी टाइम और कम हो जाता है। पर कुछ भी हो गाइस, लाइफ तो इसी का नाम होता है ना, हमको आगे बढ़ना होता है, लाइफ की हर एक मोमेंट को एंजॉय करना होता है। सो ये ना मेरा फेवरेट आइसक्रीम है, आपका कौन सा है आप लोग बताना। सब लोग चले गए हैं, मैं इतना ख़राब दिखती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ख़राब दिखती हूँ जब टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि लोगों को लिए खाना अलग से बनाओ फिर उसको खिलाओ, इसमें ना बहुत एनर्जी जाता है। तो मम्मी लोगों को लेके सोने गई है क्योंकि लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, वो बिस्तर से गिर सकती है, और अनिर्वाण उसका थोड़ा सा भी काम का है तो वो थोड़ा सा वो कर रहा है। सो मैंने सारे बर्तन बर्तन धो के सारे क्लीन व्लीन करके कांच की जो बर्तन है वो सब भी अलग से धो के रख दिया है। अभी 11:10 हो रहा है, ऐसा हो गया है फेस, थोड़ा सा फेस वॉश करती हूँ उसके बाद, और यही लोगों को फीड भी कराना है 12:00। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।